नमस्कार दोस्तों, भारत ने अब तक सबसे सफल G20 होस्ट किया और इस दौरान विश्व के तमाम बड़े राष्ट्र और उनके राष्ट्र अध्यक्ष भारत पहुंचे, लेकिन पुतिन और जिनपिंग भारत नहीं पहुंचे। पुतिन के न आने का कारण तो सामने आ गया था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के न आने का कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को समाप्त करते हुए 2024 के लिए ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। जी हाँ, अब G20 चूंकि G21 कब तक होगा, आधिकारिक नाम कब बनेगा, ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन भारत में भले G20 का शिखर सम्मेलन खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी 30 नवंबर तक भारत के पास अध्यक्षता रहेगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह के नेताओं को इसी साल नवंबर में एक वर्चुअल बैठक आयोजित करने को कहा। जी हाँ, हालांकि यह मीटिंग शिखर सम्मेलन में हुए समझौतों और उनकी अन्य संगठनों के कार्यों की समीक्षा को लेकर है, लेकिन इसको लेकर एक यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग के माध्यम से भारत G20 के मंच को पूरा देखना चाहता है। और इस पूरे का मतलब है दुनिया की दो बड़ी ताकतें चीन और रूस को एक साथ एक मंच पर लाना चाहता है। भारत ने इस G20 को ऐतिहासिक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अफ्रीकी यूनियन को नए सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता दिला दी और घोषणा पत्र सर्वसहमति से पास हो चुका है, तो भारत पहले से ही इतिहास रच चुका है। लेकिन भारत चाहता था कि इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र आए और उनके राष्ट्र के प्रमुख भी आए, और इसी को देखते हुए एक रिव्यू मीटिंग के साथ एक बार फिर से सभी राष्ट्र को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम के साथ लाना चाहता है भारत। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के साथ भारत की G20 की थीम एक पृथ्वी एक कुटुंब यानी कि परिवार एक भविष्य यानी कि फ्यूचर है, और भारत इस परिवार में सबको साथ लाना चाहता है, सबको एक साथ देखना चाहता है। और इसी उद्देश्य के साथ भारत नवंबर में एक समीक्षा मीटिंग का आयोजन कर रहा है। पूरी उम्मीद है कि इस मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन आएंगे या फिर जिनपिंग एक बार फिर से भारत की बढ़ती ताकत से घबरा जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।